हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी अकरम ने फरमाया, मैयत जब कब्र में दफन कर दी जाती है तो वो पसमानदगान के वापस लौटते वक्त जूतों की आवाज सुनती है। अगर मैयत मोमिन हो तो उसे कब्र में कहा जाता है बैठ जाओ और वो बैठ जाता है और उसे सूरज गुरूब होता दिखाया जाता है। और यूं फिर आगे की रिवायत हमें मिलती है कि वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे यहाँ मबूस हुए उनके बारे में तुम क्या कहते थे और तुम उनके बारे में क्या गवाही देते हो। मोमिन आदमी कहता है जरा बैठो, मुझे असर की नमाज अदा करने दो, सूरज गुरूब होने वाला है। फरिश्ते कहते हैं बेशक तू दुनिया में नमाज पढ़ता था, हम जो बात पूछ रहे हैं उसका हमें जवाब दो। बताओ वो शख्स जो बहुत पहले तुम्हारे दरमियान मबूस किए गए इनके बारे में तुम क्या कहते थे, क्या गवाही देते थे। मोमिन आदमी कहता है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से हक लेकर आए। तब उसे कहा जाता है इसी अकीदे पर तू जिंदा रहा, इसी पर मरा और इंशाल्लाह इसी अकीदे पर उठेगा। फिर जन्नत का दरवाजा उसके लिए खोल दिया जाता है और उससे बताया जाता है जन्नत में ये तुम्हारा महल है और जो कुछ अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है वो भी देख लो। ये सब कुछ देखकर उसके शौक और लज्जत में इजाफा हो जाता है। फिर उसकी कब्र 70 हाथ यानी 105 फुट या 35 मीटर तक खुली कर दी जाती है और उसे मुनव्वर कर दिया जाता है और उसके जिस्म को पहले वाली हालत में लौटा दिया जाता है यानी उसे सुला दिया जाता है। ये तबरानी की रिवायत है, इब्ने हिब्बान और हाकिम ने भी इसे रिवायत किया। और हजरत बरा बिन आजिब से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह के साथ एक अंसारी के जनाजे में गए, हम कब्र के पास पहुंचे तभी लहद तैयार नहीं हुई थी तो रसूलुल्लाह बैठ गए और हम भी आपके इर्द गिर्द बैठ गए, गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हो। निहायत सुकून और खामोशी से बैठे थे, आपके हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप जमीन को रेद रहे थे। आपने अपना सर उठाया और फरमाया अल्लाह से अजाब कब्र की अमान मांगो। आपने ये 2-3 मरतबा फरमाया। जरीर की रिवायत में यहाँ ये इजाफी है, जब लोग वापस हो जाते हैं तो मैयत उनके कदमों की आहट सुनती है जबकि उससे ये पूछा जा रहा होता है फुलां तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है। हन्नाद ने बयान किया कि मुर्दे के पास 2 फरिश्ते यानी मुनकर नकीर आते हैं, उसको कब्र में बिठलाते हैं और सवाल करते हैं कि तेरा परवरदिगार कौन है। वो जवाब देता है मेरा परवरदिगार अल्लाह है। फिर सवाल करते हैं ये कौन शख्स है जो कि तुम लोगों की तरफ मबूस किया गया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मालूमात करते हैं। वो जवाब देता है कि वो अल्लाह के फरिश्तादा थे। फिर वो दोनों फरिश्ते कहते तुमको ये कहां से पता चला। वो जवाब देता है मैंने किताब इलाही यानी कुरान करीम की तिलावत की और उस पर ईमान लाया, उसको बरहक समझा। इसी तरह से एक और रिवायत हमें मिलती है, जरीर की रिवायत में मजीद यह है कि इस फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला ईमान वालों को एक मजबूत बात से दुनिया की जिंदगी और आखरत में सबात अता करता है। फिर वो दोनों रिवायत करने में मुत्तफिक है। फरमाया फिर आसमान से मुनादी करने वाला ऐलान करता है तहकीक मेरे बंदे ने सच कहा, इसे जन्नत का बिस्तर बिछा दो और जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाजा खोल दो। फरमाया जन्नत की तरफ से वहां की हवाएं राहतें और खुशबुएं आने लगती हैं और उसकी कब्र को इंतहाए नजर तक वसी कर दिया जाता है। फिर काफिर और उसकी मौत का जिक्र किया और फरमाया उसकी रूह उसके जिस्म में लौटाई जाती है और उसके पास आते हैं फरिश्ते, उसे बिठाते हैं, उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हा हा मुझे कोई खबर नहीं। फिर वो उससे पूछते हैं तेरा दीन क्या है तो वो कहता है मतलब जैसे कराह निकालता है ना इसी तरह से कहता है मुझे खबर नहीं। फिर उससे पूछते हैं ये आदमी कौन है जो तुम में मबूस किया गया था, वो कहता है मुझे कोई खबर नहीं। तो मुनादी आसमान से निदा देता है इसने झूठ कहा, इसके लिए आग का बिस्तर बिछा दो, इसे आग का लिबास पहना दो, इसके लिए दोजख की तरफ से दरवाजा खोल दो। फरमाया कि फिर उसकी उस जहन्नुम की तरफ से उसकी तपिश और सख्त गर्म हवा आने लगती है और उसकी कब्र को तंग कर दिया जाता है हत्ता कि पसलियां एक दूसरे में फंस जाती हैं। जरीर की रिवायत में मजीद है कि फिर उस पर एक अंधा गूंगा फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है, उसके पास भारी गुर्ज होता है, अगर उसे पहाड़ पर मारा जाए तो वो पहाड़ मट्टी मट्टी हो जाए। फिर वो उसके साथ उसे ऐसी चोट मारता है जिसकी आवाज जिन्नों और इंसानों के अलावा मशरिक और मगरिब के दरमियान की सारी मखलूक सुनती है। अस्तग़फिरुल्लाह। फिर वो मट्टी रेजा रेजा हो जाता है। फरमाया फिर उसमें रूह लौटाई जाती है यानी ये अमल जारी रहता है। अबू दाऊद की रिवायत है 4753 नंबर पर। इससे पता चलता है कि बरज़ख़ की जिंदगी है, हमें जिंदगी का शऊर नहीं। वो जिंदगी किस नौइयत की है,
लोग कैसे उठेंगे, कैसे जवाब देंगे, किस तरह उन्हें सुला दिया जाएगा, कैसे वो उस माहौल में वही उसी तरह के महसूसात होंगे। नमाजी जो है वो चाहेगा मैं नमाज पढ़ लूं, असर का वक्त जा रहा है, और उसे कहा जाएगा वो वक्त तो गया, अब तो हमें हमारा जवाब दो, क्योंकि जिंदगी में नमाजें फर्ज हैं, मौत के बाद तो नमाज का वक्त नहीं रहेगा। तो रसूलुल्लाह की गवाही देने के बाद ही किसी को सुकून नसीब हो सकता है। ये गवाही, ये अकीदा जरूरी है, इसलिए अकीदे को सीखना लाजिम है हर मुसलमान पर। हमारे यहाँ अकीदा समझा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत पता है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरायत पता है, ना अकीदे की हकीकत का पता है। तो अकीदा बड़ा डिटेल्ड सब्जेक्ट है, इसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए।